मां सीता का हरण हुआ, रावण खत्म हो गया, चीर हरण हुआ महाभारत में, कौरव खत्म हो गए। अगर मणिपुर में हमारी बहनें और बेटियों के साथ ये व्यवहार हुआ है तो आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने नहीं जा रही है। इस बार दिल्ली से भी जाएंगे, यूपी से भी जाएंगे, 14 में आए थे 24 में चले जाएंगे। वो बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं और आप लोगों को कुछ चटपटा मिलता है जिससे न्यूज चले, इसलिए सवाल बड़ा है। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि वो नेता का नाम आप बताएं जिस नेता ने ये कहा हो कि देश के प्रधानमंत्री सबसे झूठे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए गाना गाया हो कि चल सन्यासी मंदिर में, उस नेता का नाम क्या है? तो ये बीजेपी सोचे इस बारे में। सर, ये राहुल गांधी इस समय लद्दाख के दौरे पे हैं। राहुल गांधी ने एक बयान जारी किया है कि वहां के स्थानीय लोगों ने बताया है कि चीनी सेना हिंदुस्तान में घुस आई है और उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन पे कब्जा कर लिया है, सरकार डिनाइल मोड में है। लद्दाख और वो इलाका हमेशा महत्वपूर्ण रहा है भारत के लिए भी। समाजवादियों ने हमेशा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी और जितने भी समाजवादी लोग रहे, उन्होंने हमेशा कहा कि चीन से सावधान रहें। पहले अक्साई चीन और अब ये हिस्सा भी आपके हाथ से छूट गया है। अगर लोग वहां पर बता रहे हैं कि कुछ हिस्से में वहां के चीन के कब्जे में है, फौज के लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फौज के लोग जानते हैं वो लेक जो हम लोग फिल्म में देखते थे कभी, उस पर कभी भी दूसरे देश के लोगों का कब्जा नहीं था। इसी तरह अगर सरकार, खासकर भारत सरकार, अपनी कमजोरी दिखाती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस तरीके से मानसरोवर जाने के लिए आपको चीन का वीजा चाहिए, अगर आप वो लेक देखने जाओगे तो भविष्य में हो सकता है आपको चीन से परमिशन मांगनी पड़े, तब जाकर के उस लेक को आप देख पाए।